नमस्कार, मैं हूं परवेश। फटाफट देखिए देश और दुनिया की आज की 20 बड़ी खबरें। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने रचा इतिहास। 41 साल बाद भारत ने हॉकी में जीता मेडल। कांटे की टक्कर में जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज किया अपने नाम। सिमरनजीत सिंह ने दागे 2 बेहतरीन गोल। जीत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी समेत पूरे देश ने दी बधाई। गुजरात के हीरा व्यापारी सावजी ढोलकिया ने खोला दिल। ओलंपिक का फाइनल मुकाबला जीतने पर महिला हॉकी टीम से किया घर कार का वादा। अपने कर्मचारियों को बोनस के रूप में भव्य उपहार देने के लिए जाने जाते हैं सावजी ढोलकिया। बड़ी नौसैनिक ताकत वाले देशों में जुड़ा भारत का नाम। ट्रायल के लिए समंदर में उतरा पहला देसी विमान वाहक पोत INS विक्रांत। भारत उन चुनिंदा देशों में हो गया है शुमार जिसके पास स्वदेश में निर्माण करने और अत्याधुनिक विमान वाहक जहाज तैयार करने की है क्षमता। देश में कोरोना के मामलों में फिर बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में मिले 42,982 पॉजिटिव केस। करीब 42,000 मरीज हुए ठीक। 533 लोगों की गई जान। केरल में रोजाना नए मरीजों का आंकड़ा 22,014। महाराष्ट्र में हुई सबसे ज्यादा मौतें। देश में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। 18 साल तक के बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त मिलेगा 5,00,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। पीएम केयर फंड से भरा जाएगा बीमे का प्रीमियम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल हुए पूरे। रिपोर्ट के मुताबिक 85% घटे पत्थरबाजी के मामले। अब हर सरकारी भवन पर लहराता है तिरंगा। खेल और रोजगार पर है युवाओं का ध्यान। बेरोजगारी दर गोवा दिल्ली और राजस्थान से भी बेहतर। कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे के 2 साल पूरे होने के अवसर पर पाकिस्तान ने फिर पीटी छाती। कोरोना की चौथी लहर झेल रही आवाम की चिंताओं को दरकिनार कर इमरान खान सरकार ने पूरे पाकिस्तान में आयोजित की शोक सभाएं। इस दौरान पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रैफिक को रोककर 1 मिनट का रखा गया मौन। जम्मू कश्मीर में पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 3 सालों में आया 3 गुना उछाल। पर्यटन से जुड़े 80% लोगों को लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन। राज्य में फिल्म वालों को भी काम करने की दी जा रही है रियायत। नई फिल्म नीति से डांसरों सहित स्थानीय कलाकारों को हो रहा है फायदा। रोजगार के मिल रहे हैं नए अवसर। शिमला या मनाली जाने का कर रहे हैं प्लान तो जान ले हिमाचल सरकार की ये ताजा गाइडलाइंस। हिमाचल प्रदेश में बाहर से जाने वाली सभी यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना होगा अनिवार्य। साथ ही अगर वैक्सीन की 1 डोज भी ली हुई है तो आपको नेगेटिव RT-PCR की जगह वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। टूरिस्टों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फिर बढ़ाए जाएंगे प्रतिबंध। 2025 से पहले नहीं पूरा हो पाएगा अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण। हालांकि 2023 के अंत तक दर्शन शुरू होने की है उम्मीद। राम मंदिर के निर्माण में शामिल सूत्रों ने बताया भक्तों को आंशिक रूप से तैयार प्रांगण में जाने की दी जा सकती है अनुमति। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पेगासस जासूसी मामला। चीफ जस्टिस NV रमन और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कर रही है मामले की सुनवाई। कोर्ट ने विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी के मुद्दे को अहम बताते हुए कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो आरोप काफी गंभीर। प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्य सलाहकार के पद से दिया इस्तीफा। इस्तीफे पर बोले प्रशांत किशोर, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थाई ब्रेक लेने का किया है फैसला। ऐसी अटकलें हैं कि प्रशांत किशोर थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के चालू खाता खोलने को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस को लागू करने के लिए जारी किया सर्कुलर। RBI ने साल 2020 में जारी नए नियमों को लागू करने के लिए बैंकों को अक्टूबर अंत तक का दिया वक्त। पहले 31 जुलाई थी अंतिम तारीख। अब पेटीएम और फोन पे को टक्कर देगा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो। जोमैटो ने IPO की सफलता के बाद जोमैटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से नई कंपनी का किया है गठन। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है
कि इस नई कंपनी के जरिए दी जाएंगी पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे से जुड़ी सेवाएं। मुंबई वालों के लिए बड़ी राहत की खबर, अब ट्रैफिक पुलिस आपको बेवजह रोककर नहीं कर सकेगी परेशान, आपकी गाड़ी की बेवजह नहीं की जा सकेगी चेकिंग। कमिश्नर ऑफ पुलिस हेमंत नागराले ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जारी किया सर्कुलर। लखनऊ में हनुमान मंदिर और आरएसएस कार्यालय उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपी की पहचान, आरोपी शफीक मूल रूप से दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला, पुलिस ने उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज और किताबें की बरामद। पाकिस्तान में हिंदू धर्मस्थलों पर फिर हुआ अत्याचार, कट्टरपंथियों ने एक और मंदिर को तोड़ा, फेसबुक लाइव कर शेयर किया वीडियो। पंजाब के भोंग शहर में मौजूद गणेश मंदिर में कट्टरपंथियों ने जमकर मचाया उत्पात, मंदिर की मूर्तियों को किया खंडित, झूमर कांच जैसे सजावटी सामानों को भी तोड़कर कर दिया तहस नहस। बांग्लादेश के ढाका में शादी समारोह के दौरान बिजली गिरने से बड़ा हादसा, शादी में शामिल होने आए 17 लोगों की हुई मौत, 14 लोगों की हालत गंभीर। शिवगंज कस्बे में पद्मा नदी के किनारे हो रहा था शादी का फंक्शन। भारतीय सीमा पर चीन का शक्ति प्रदर्शन, पहली बार बुलेट ट्रेन में भरकर भेजे सैनिक, ये बुलेट ट्रेन तिब्बत की राजधानी ल्हासा से सैनिकों को लेकर अरुणाचल प्रदेश के पास निंगची शहर पहुंची। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पीएलए में नए भर्ती हुए जवानों को 4500 मीटर पर अभ्यास क्षेत्र में ले जाया गया। और अमेरिका में मछुआरों को मिली इंसानों जैसी दांत वाली मछली, मछली को देखकर हैरान और डरे हुए हैं लोग, अजीब सी दिखने वाली इस मछली की तस्वीर जेनेट स्पायर नाम के यूजर ने फेसबुक पर की है शेयर। पोस्ट के मुताबिक नेथन मार्टिन नाम के मछुआरे के हाथ ये मछली लगी है जिसका नाम शिपहेड है। आप देख रहे थे देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें, अगर आप भी कोई खबर हमें भेजना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हमारी बाकी की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया।